हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद रूपाली। दोस्तों, आज हमने बनाई है सीताफल की मिठाई स्पेशल दिवाली के लिए। पता है आपको, इसे बनाने के लिए बस 20 मिनट लगे हैं। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप पानी। ये आधे कप का मेजरमेंट है, तो इसे 2 बार डाल लेते हैं। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। अब चीनी यहाँ पे आपके स्वाद के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसकी बस 1 तार की चाशनी बनानी है। तो 1 तार की चाशनी बनाने के लिए हमें लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। चाशनी तैयार है या नहीं ये देखने के लिए आप बीच बीच में हाथों के बीच में इस तरह से बनाए गए मिश्रण को देखें और चेक करें। अब 1 चम्मच घी डाल लेते हैं और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पिसी हुई काजू की पाउडर। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो बची हुई पाउडर भी डाल लेते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर भी ली है। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इस मिठाई का स्वाद और ज़्यादा निखर के आने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बस थोड़ी सी इलायची पाउडर। इसे भी डाल के अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करना है। ध्यान रखें, अभी तक हमने आंच को बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। बहुत ही स्लो फ्लेम पे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इस मिठाई को बनाने के लिए हम ख़ास तौर पर इस्तेमाल करेंगे नॉनस्टिक का बर्तन, जिसकी वजह से बनाई गई मिठाई बिल्कुल भी बर्तन को चिपकेगी नहीं। आप अगर यहाँ पे चाहे तो पूरी तरीके से काजू की पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। मिश्रण हमारा पूरी तरीके से बनके तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि हमारा मिश्रण नीचे से बिल्कुल भी चिपके ना। हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मैंने यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स की दरदरी से पाउडर बना के ली है। तो अब 1 हिस्से में हम जितनी चाहे उतनी पाउडर डाल लेंगे और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन फूड कलर भी है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स डाल के मिश्रण बनाया है ना, उसके हम मीडियम साइज़ के बॉल बना लेंगे। ये मिश्रण अगर गर्म रहता है तो जल्दी से आपके बॉल्स दब जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। देखिए, कुछ इस तरह से हमारे बॉल्स बनके तैयार हैं। अब दूसरी जो साइड है उसके छोटे छोटे मार्बल के शेप के बॉल्स बना लेते हैं। अब हाथों को घी लगा लेंगे, एक बॉल ले लेंगे हाथ में और सारे छोटे छोटे मार्बल से ना उन्हें चिपका लेंगे। अगर आपके बॉल्स एक दूसरे को नहीं चिपक रहे हैं तो उस वक्त आप चिपकाने के लिए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक तरीके के गोंद का ही काम करेगा, यानी कि हमें बस सीताफल का इसे शेप देना है। अब हाथों को कुछ इस तरह से कलर लगा लेंगे और पूरे सीताफल को, यानी कि सीताफल की मिठाई को बढ़िया से कोट कर लेंगे। दिवाली के लिए झटपट बनने वाली एकदम परफेक्ट स्वीट डिश है दोस्तों। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इसे फ्रिज में आराम से 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और दिवाली की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। अब हमारी दूसरी रेसिपी है मावा रोज। इसे बनाने के लिए बस आपको 15 से 20 मिनट ही काफ़ी है। कढ़ाई में 1/2 कप दूध डाल लेते हैं, फिर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ली है, इसे भी डाल लेते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, हमारा मावा बढ़िया से मिक्स होके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे पिंक फूड कलर। अब 2 से 3 मिनट के लिए लगातार हमें इसे हिलाते रहना है। मावा का मिश्रण बनके तैयार है। अब हमें एक प्लेट में इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। इसी सेम रेसिपी का इस्तेमाल करके हमने एक और मावे का मिश्रण बनाया है।
पर सिर्फ इसमें फ़र्क यही है कि पहले बनाया था वो थोड़ा सा हल्का है और ये थोड़ा सा डार्क है कलर में। हमने इस मिश्रण में पीसी हुई और भुनी हुई 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स की दरदरी से पाउडर भी डाली है। रेसिपी जो है वो पूरी की पूरी सेम थी, इसलिए मैंने फिर से इसे नहीं दिखाया है। अब जो 2 मावा के हिस्से बनाए हैं, हमें इसे बढ़िया से प्लेट में स्प्रेड कर लेना है और रूम टेम्परेचर पे ही 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। मिश्रण हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। हमने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है। अब आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी जो है वो कम या ज़्यादा डालें। हमने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अब दोनों मावे के हिस्सों में इसे बढ़िया से हमें मिक्स करना है और इसका डो तैयार करना है। बनाए गए मिश्रण को हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जब हम इसके गुलाब बनाएं तब वो आसानी से बन जाए। अब हमें इसे गोल शेप में ढालना है, कुछ इस तरह। आप चाहें तो यहाँ पे बॉटल का ढक्कन आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज में रखने की वजह से गुलाब बनाने के वक्त बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अब जो हमारा पिंक कलर का डो है, उसमें से एक छोटा सा गोल निकाल लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है। अब जो हमने डार्क पिंक कलर के पेटल्स बनाए हैं, उसे ले लेते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो बेबी पिंक कलर के पेटल्स का पूरा रोज बना सकते हो या फिर डार्क कलर का। मैंने यहाँ पे दोनों कलर का इस्तेमाल किया है। अब हाथों की सहायता से एक एक करके हम एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से इन्हें चिपका देते हैं। बहुत ही आसानी से ये चिपक भी जाते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा दूध या फिर घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बस हाथों से इसे बढ़िया से कुछ इस तरह से प्रेस करें। आप इस रोज़ की मिठाई को चाहे तो ऐसे ही खा सकते हो या फिर डेकोरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी मिठाइयाँ जब हम बनाते हैं तब उसके प्रेजेंटेशन के लिए आप बीच में इसे सजा के रख सकते हो, पर उस वक्त आपको कुछ इस तरह से बड़ा वाला गुलाब बनाना पड़ेगा। अगर आप पूरी की पूरी इसी की मिठाई बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने जो बॉटल का ढक्कन दिखाया था ना, उससे आप पेटल्स बनाएं और फिर उसके गुलाब बनाएं, तो वो साइज़ में छोटे बन जाएंगे। आप जैसे चाहे वैसे इस मिठाई को बनाएं और इन्जॉय कीजिए। हमारी तीसरी रेसिपी है नो कुक नो शुगर स्वीट डिश। हमने यहाँ पे 1 कटोरी खजूर लिए हैं। ये स्टिकी वाले यानी कि चिपचिपे खजूर हैं। ये कुछ इस तरह से आते हैं। बीच वाला सीड है उसे हमने निकाल दिया है और ऊपर की जो परत रहती है उसे भी निकाला है। आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेते हैं। उसी के साथ डालेंगे 2 चम्मच भुने हुए ड्राई फ्रूट्स की दरदरी सी पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और आधा चम्मच देसी घी। अब हाथों को घी लगा के बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब एक प्लेट को घी लगा लेते हैं। बनाया गया मिश्रण इसके ऊपर डाल के बढ़िया से इसे स्प्रेड कर देते हैं। इसे हमें फ्रिज में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। इस तरह से बिना पकाए और बिना शक्कर के स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।